गैस, हमने स्ट्रिंग्स के बारे में देखा था पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लेना। आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में, कि वो कौन से फंक्शंस हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं कभी भी आप अपनी डॉम में स्ट्रिंग के तौर पे एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह अगर आप स्ट्रिंग लेकर आ रहे हैं कहीं से, आप HAPI का यूज़ करें या फिर कोई भी AJAX रिक्वेस्ट मारें। अब अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मालूम तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, बस अभी के लिए आप लोग ये सीख लो कि किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग फंक्शंस को। तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा tube50.html और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने एक बॉयलर प्लेट लगा ली अपनी, और मैं यहाँ पर लिखूँगा JavaScript। स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। और अगर आपको कोई CSS वगैरह डालना है तो आप CSS भी डाल सकते हो यहाँ पर स्टाइल लगाकर। और अगर आप लोगों को JavaScript डालनी है तो हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर इस तरह से डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमें JavaScript लिखनी होगी वो हम लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर मान लो कुछ इस तरह से लिखा, where str is equal to this is a string, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ console.log str, तो नो सरप्राइजेस कि मुझे यहाँ पर मेरे कंसोल में मैं लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, और लाइव सर्वर जैसे ही स्टार्ट होगा मुझे अपने कंसोल में ये जो स्ट्रिंग है वो दिखाई देगी। अभी जो फैव आइकन का एरर है इसको भी इग्नोर कर दीजिए, और अगर आप लोग फैव आइकन ऐड करोगे तो आप लोगों को ये एरर नहीं मिलेगा, लेकिन अभी के लिए रिलोड करोगे तो एरर चला जाएगा। तो दिस इज अ स्ट्रिंग यहाँ पर मुझे मिल चुकी है, ठीक है। अब स्ट्रिंग के वो कौन से फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो कि एक स्ट्रिंग को आप लोगों को चेंज करके दे सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको स्लाइसिंग करनी है, जैसे मान लो मुझे दिस इज़ अ स्ट्रिंग का सिर्फ दिस चाहिए, या फिर मुझे टुकड़ों में तोड़ना है अपनी स्ट्रिंग का, तो मैं कैसे वो काम कर सकता। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वर्ड को लोकेट करने से, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग के अंदर मैं वो इंडेक्स चाहता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ वेयर पोजिशन इज इक्वल टू, मैं वो पोजिशन चाहता हूँ जहाँ पर मेरा इज है, तो मैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर इज लिखूँगा और पोजीशन को जब मैं कंसोल डॉट लॉग पोजीशन में करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा कि मुझे 2 मिल रहा है। और ये 2 मुझे क्यों मिल रहा है, ये ऐसा मुझे इसलिए मिल रहा है 2 क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि मुझे इज की इंडेक्स दे दो, तो इतने यहाँ से सर्च किया, 0 पे इज था नहीं था, 1 पे इज था नहीं था, 2 पे यहाँ पर इसको इज मिल गया इसलिए इसने मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो पहली अकरेंस अगर आप लोगों को किसी भी सबस्ट्रिंग की रिटर्न करानी है तब आप लोग यूज़ कर सकते हो इंडेक्स ऑफ फंक्शन का। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों के, और ये फर्स्ट अकरेंस देता है। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि ये देता है आपका फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो पहली अकरेंस देगा सबस्ट्रिंग की। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप चेंज करोगे इस फंक्शन को लास्ट इंडेक्स ऑफ में, तो एक लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है, और ये सारे फंक्शन आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो मैं बार बार वेयर पोजीशन नहीं कर सकता, मैंने एक बार वेयर लगा दिया तो मैं इस पोजीशन को डायरेक्टली ओवरराइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या है तो ये मुझे बता देगा, तो लास्ट इंडेक्स मेरी 5 है, तो मैं अगर यहाँ से गिनना चालू करूँ 0 1 2 3 4 5, देखो 5 से यहाँ पर इज स्टार्ट हो रहा है। तो इंडेक्स जो है वो सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट होती है, आप लोगों का ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसी के साथ साथ आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा इंडेक्स ऑफ फंक्शन है वो क्या करता है, वो लोकेट करता है इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस की, और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लोकेट करता है अकरेंस हमारी लास्ट सबस्ट्रिंग की, ठीक है, जो भी लास्ट सबस्ट्रिंग है उसमें, ठीक है, आपका जो भी मेन स्ट्रिंग है जिस पे आप रन कर रहे हो फंक्शन। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं बहुत ज़्यादा बार आप लोगों को चाहिए होती है सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सब स्ट्रिंग चाहिए किसी स्ट्रिंग में से, तो मैं एक बनाऊंगा अपना वेरिएबल वेयर सब str इज इक्वल टू, और मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं स्लाइस करूँ अपनी जो मेरी str स्ट्रिंग थी उसको, और ये 2 हमारे पैरामीटर्स लेता है, एक स्टार्ट पोजिशन लेता है और एक एंड पोजीशन लेता है। अगर मैं यहाँ पर इसको 1.5 कर दूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको console.log भी कर देता हूँ सब str, और यहाँ पर आप लोग देखो 1.5 अगर आपने किया तो HI और S आ गया, तो 0 1 फिर उसके बाद 1 2 3
और उसके बाद फोर, ठीक है। अब ये फोर था यहाँ पर, ब्लैंक था, इसलिए मैं इसको सिक्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और फिर बताता हूँ कैसे हुआ ये। जैसे मैं ये लिखूंगा तो यहाँ पर आप लोग देखना क्या क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले तो वन प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 to 5 किया है, मैंने 1 to 6 किया है सॉरी। तो सबसे पहले वन प्रिंट होगा, यहाँ पर 0 1 1 था एच, फिर 1 2 3 4 5 तक प्रिंट होगा, 6 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक कम प्रिंट करेगा, अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा है तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर 7 लिख देता तो यहाँ पर क्या होता, एक और कैरेक्टर प्रिंट होता। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। लेकिन स्लाइसिंग करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने सब एस टी आर मेथड को भी। तो यहाँ पर हमारे पास और मेथड्स होते हैं स्लाइसिंग करने के। तो सबसे पहले सब स्ट्रिंग मेथड को देखते हैं। अब दो मेथड्स हैं, एक सब एस टी आर है, एक सब स्ट्रिंग है। तो सब स्ट्रिंग अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या होगा, सेम चीज़ ही हो रही है। तो डिफरेंस क्या है सब स्ट्रिंग में और आपका स्लाइस में? तो डिफरेंस ये है कि जो हमारा स्लाइस है ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है, जो हमारा सब स्ट्रिंग है यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप लोगों को ये मैं बोलना चाहूँगा भी कि ज़्यादा इसकी डीप में ना जाएं, सिंपल से एक इनमें से कोई भी आप सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और एक वेब डेवलपर के तौर पर वो आपके लिए काफ़ी रहने वाला है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब हाँ आप लोगों से ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ सब एस टी आर फंक्शन होता है, और ये क्या करता है, ये सिंपली ये कहता है कि 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। और 1 से स्टार्ट करते हुए जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या करेगा, आपको लेंथ बताएगा, ठीक है। तो सब एस टी आर क्या करेगा, लेंथ बताएगा आपको। अब यहाँ पर मैं इसको सब एस टी आर 1 कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये फंक्शन का नाम भी है। तो मैंने यह किया 1,7 कर दिया। तो मैंने कहा कि 1 से चालू करो और 7 लेंथ जो है एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ 2 एक्सट्रैक्ट कर लो, 1 से स्टार्ट करते हुए 2 एक्सट्रैक्ट कर लो, तो ये एच और आई एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैं 3 एक्सट्रैक्ट कर लो बोलूँगा तो ये 3 कैरेक्टर 1 से स्टार्ट करते हुए ले लेगा। तो पहला जो इसका आर्ग्यूमेंट होता है सब एस टी आर का, वो होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अब गिनती यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं इंडेक्स बोलूँगा, जब भी मैं इंडेक्स बोलूँगा उसका मतलब है कि गिनती 0 से चालू हो रही है। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो है आपके सब एस टी आर का वो है कि कहाँ से चालू करना है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट सिंपली आपका ये है कि कितने कैरेक्टर्स आपके इस नई स्ट्रिंग में होने चाहिए। तो ये था हमारा सिंपल सा सब स्ट्रिंग निकालना एक स्ट्रिंग में से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमें कोई एक स्ट्रिंग में कोई एक सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मान लो आपने एस टी आर बनाया हुआ, ठीक है, मैंने लिखा हुआ दिस इज़ अ स्ट्रिंग। अगर मैं दिस इज़ अ स्ट्रिंग को दिस इज़ अ हैरी करना चाहता हूँ तब मैं क्या करूँगा, तब मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं लिखूँगा एक वेरिएबल बनाता हूँ रिप्लेस्ड करके, और मैं यहाँ पर लिखूँगा एस टी आर डॉट रिप्लेस, और मैं कहूँगा कि जो हमारा मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था दिस इज़ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिप्लेस करके हैरी कर दो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग करूं और रिप्लेस्ड करूं, स्ट्रिंग नहीं एस टी आर था, अगर मैं ये और ये प्रिंट करूं, तब आप लोग देखो यहाँ पर जो मेरी पुरानी स्ट्रिंग थी वो तो वैसे के वैसे ही रही, और उसके बाद जो नई स्ट्रिंग रिटर्न हुई उसमें स्ट्रिंग की जगह हैरी आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो लोगों को होता है वो ये होता है कि जब एस टी आर डॉट रिप्लेस को रन किया जा रहा है तो क्या मेरी नई स्ट्रिंग जो है उसी के साथ साथ पुरानी स्ट्रिंग भी रिप्लेस हो जाएगी? सवाल है नहीं, सॉरी जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जो एस टी आर है वो आपकी ये वाली स्ट्रिंग थी, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी। आपने जो रिप्लेस्ड वेरिएबल बनाया है वो आपका ज़रूर चेंज हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ साथ हमारे पास स्ट्रिंग के दो और फंक्शंस हम देखेंगे, अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं जो। और मैं अगर यहाँ पर इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर सिंपली एक कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा एस टी आर डॉट टू अपर केस, और ये एक फंक्शन है तो इस तरह में लिखना पड़ेगा, एस टी आर डॉट टू अपर केस और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पर लिखा। तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो मेरी अपर केस में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर टू लोअर केस कर दूँ तो यहाँ पर देखो ये लोअर केस में प्रिंट हो गई। देखो टी था वो हमारा कैपिटल था, लेकिन यहाँ पर हमारा हमारी जो स्ट्रिंग है पूरी वो लोअर केस में आ चुकी है। तो ये था हमारा टू अपर केस और टू लोअर केस।
अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग कॉनकैट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को जॉइन करने के लिए। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम कॉनकैट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं लिखूँगा वेर न्यू स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू str.concat और मैं लिख दूँ यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया और फिर उसके बाद console.log मैंने लिख दिया न्यू स्ट्रिंग, तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे मिल रहा है दिस इज़ अ न्यू स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग। तो मैंने यह किया कि अपनी पुरानी स्ट्रिंग में ये कॉनकैटिनेट कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये आप लोग यूज़ कर भी सकते हैं, वरना आप लोग प्लस यूज़ करें। मेरे हिसाब से प्लस जो है वो बेटर होता है, और कॉनकैट जो है वो आप लोग प्लस ऑपरेटर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, ये बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है ट्रिम फंक्शन, जो कि क्या करता है वाइट स्पेसेस को हटा देता है। जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग बनाऊं, मैं लिखूं वेर str विद वाइट स्पेसेस और उसके बाद इज इक्वल टू लिखूं दिस कंटेन्स, और मैं बहुत सारी वाइट स्पेसेस लिख देता हूं और एंड कर देता हूं वाइट स्पेसेस को, ठीक है। तो मैं जैसे ये करके इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा str विद वाइट स्पेसेस और str विद वाइट स्पेसेस डॉट ट्रिम। अगर मैं ये दोनों रन करूँगा, दोनों को प्रिंट करूँगा, तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, ये मेरी जो स्ट्रिंग है ये ऐसे के ऐसे ही प्रिंट हो गई। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, इसने शुरुआत से और अंत से, नोट करना बीच से नहीं किया, शुरुआत से और अंत से जितने भी वाइट स्पेसेस थे उनको हटा दिया। तो ट्रिम हमारा क्या करता है, ट्रिम हमारा वही करता है जो हमारा ट्रिमर करता है। बस ट्रिमर ये है, ट्रिमर दाढ़ी दाढ़ी को ट्रिम करता है, ये हमारे स्ट्रिंग को ट्रिम कर देता है, ये और ये जो शुरुआत और एंड है उसको ट्रिम कर देता है। तो ये बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग से जो भी वाइट स्पेसेस हैं उनको हटा देता है। सो ट्रिम का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी एक्स्ट्रा स्पेसेस आपकी रिटर्न करी जाती हैं कोई भी आपकी फंक्शन द्वारा, जो कि एक्सटर्नल लाइब्रेरी मान लो अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी कभी आप लोगों को ऐसा मिल सकता है, ऐसी कोई स्ट्रिंग मिल सकती है जो कि शुरुआत में और अंत में बहुत सारे वाइट स्पेसेस यूज़ करती हो, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स को किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर दूंगा और मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा वेर कैर थ्री इज इक्वल टू str डॉट कैर एट, और मैं लिख दूंगा टू। मैं कहूँगा कि यहाँ पर टू इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द जीरो बेस्ड इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर। ये मेरा VS कोड दिखा रहा है मुझे, VS कोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी IDE है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ उसको, खासकर जब मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तब आप लोगों को इस तरह का कोड एडिटर यूज़ करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो इसने यहाँ पर आई बोला मुझे, मैंने बोला कि टू पर कौन सी मेरी जो मैंने कार टू लिखना था यहाँ पर, वरना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ये तो सिर्फ नाम है वेरिएबल का, ये तो कुछ भी किया जा सकता है। तो मैंने कैर टू यहाँ पर कर दिया इसको, और मैंने फिर उसके बाद str डॉट कैर एट फंक्शन को रन किया, और str डॉट कैर एट फंक्शन ने मुझे कहा कि इस इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो रिटर्न कर दूं मैं। तो दिस इज अ स्ट्रिंग में 0 1 2 2 पर आई था, तो इसने मुझे आई रिटर्न करके दे दिया। अब एट द सेम टाइम क्या होता है, हमारा कैर कोड भी हम प्रिंट कर सकते हैं, और मैं बस ये कहूँगा कि अभी आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा ना देखें क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको आने चाहिए। लेकिन जस्ट आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे पास एक कैर कोड ऐड फंक्शन भी होता है, और कैर कोड ऐड फंक्शन क्या करता है, आप लोगों को वो कैरेक्टर कोड देता है जो कि उस कैरेक्टर का है जो कि वहाँ मौजूद है। इस केस में आई का जो कैरेक्टर कोड है, जो आपका UTF-16 कैरेक्टर कोड है, वो आप लोगों को मिल जाएगा इनकोडिंग के हिसाब से। बट अगेन आप लोग इस चीज़ में अभी बिल्कुल भी मत जाना, सिंपली आप आराम से जो जो मैंने आप लोगों को मेथड बताए हैं मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए, हम लोग एक बिगिनर हैं अभी, और हम लोगों को सिर्फ जो जावास्क्रिप्ट है वो एक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करनी है। हम लोग नहीं चाहते कि हम कुछ रिसर्च करें या फिर एक्मा स्क्रिप्ट को इन्हेंस करें, वो सारे काम नहीं है हमारे। हमारे काम है जो हमने HTML CSS सीखी है उसको इन्हेंस करके हमें उसमें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट का थोड़ी सी छिड़कनी है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी हो जाए। सो आई होप कि ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, लेकिन उसके बाद भी बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग की कुछ इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पर लिखें कंसोल डॉट लॉग और आप लोग str में ऐसे लिख दें str2, तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर,
ये देखो आपको आई मिल गया, और एस टी आर अगर 3 कर दिया यहाँ पर तो देखो क्या मिला, एस मिला। तो 0 से स्टार्ट होते हुए स्लाइसिंग यहाँ पर हो चुकी है। सो इस तरह से जो है आप स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये थे सारे के सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी यहाँ पर वेबसाइट वाला जो खाना है वो क्यों वाइट हो गया है, अभी यहाँ पर कोई वेबसाइट क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाना चाहता हूँ, और वेबसाइट भी हम लोग बहुत जल्दी बनाएंगे, आप टेंशन मत लेना, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से समझ समझ के ये काम मैं करवाने वाला हूँ। सो गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको जल्दी एक्सेस कर लेना, और ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं ये इसी प्लेलिस्ट में जाने वाले हैं। मैंने सारी के सारी जो सोर्स कोड के लिंक्स थे वो सब अपडेट कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सोर्स कोड मिल जाएगा हर वीडियो के, तो एक एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन का सोर्स कोड मैंने अपडेट कर दिया, जाकर आप लोग ज़रूर देख लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।